अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 15 जून 2023 है। इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से आज 25 ज़िलक़द 1444 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। समंदरी तूफान वेपरजॉय आज शाम गुजरात के साहिल से टकराएगा। तूफान जिले में जाखौ बंदरगाह से टकराएगा। एक अंदाजे के मुताबिक जुमेरात की शाम जब तूफान साहिल से टकराएगा तो इसकी रफ्तार 125 से 150 किलोमीटर तक होगी। मुमकिना नुकसान के पेश नज़र मरकजी और रियासती हुकूमत के साथ इंतजामिया भी राहत और बचाव के काम की तैयारियों में मसरूफ हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मोहसिन शाहिदी के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दिनों में गुजरात के साहिली इलाकों से 74,000 से ज्यादा लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। एक अंदाजे के मुताबिक तूफान की वजह से 8 अजला के 442 नशीबी देहात सैलाब और बारिश से मुतासिर हुए हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इनकी तरजीह अयोध्या, देविया, भाविया और नाविया की तामीर है। उन्होंने मजीद कहा कि मुकद्दस शहर जल्द ही शहरी तरक्की के मॉडल शहर के तौर पर उभरेगा। उन्होंने कहा, मुल्क और दुनिया के लोग नई अयोध्या को देखने के लिए बेताब हैं। हमें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि अयोध्या का दौरा करने वाला हर अकीदतमंद अमन, इत्मीनान और खुशी के साथ वापस जाए। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने चारशुंबे की देर रात अयोध्या में तरक्याती प्रोजेक्टों का जायज़ा लिया। योगी जो अयोध्या के 2 रोज़ा दौरे पर हैं, उन्होंने सूरजकुंड का भी मुआयना किया और वहाँ लेजर शो देखा। उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर का दौरा किया जहाँ उन्होंने पूजा की और फिर राम मंदिर के तामीराती काम का जायज़ा लिया। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने यह इशारा दिया है कि मुल्क में लोकसभा इलेक्शन वक्त से पहले हो सकते हैं। उन्होंने बिहार के आला अफसरान को तरक्याती काम वक्त से पहले निपटाने की हिदायत देते हुए कहा कि मुल्क में जिस तरह की तैयारियां हो रही है, जो हलचल मची है, इसे देखकर यही कहा जा सकता है कि लोकसभा इलेक्शन वक्त से पहले हो सकते हैं। इसलिए अफसरान अपने कामों में पीछे ना रहें और इन्हें वक्त से पहले मुकम्मल करें। मध्य प्रदेश के दमोह में वाक़ गंगा जमुना सेकेंडरी स्कूल के एक पोस्टर पर 10वीं जमात की गैर मुस्लिम तालिबात की हिजाब में तस्वीरें छापने के बाद से लगातार तनाजात में घिरा हुआ है। वाक़े के मंजरेआम पर आने के बाद स्कूल की प्रिंसिपल अफशान शेख, रियाजी के उस्ताद अनीस अथर और सिक्योरिटी गार्ड रुस्तम अली को तालिबात को हिजाब पहनने पर मजबूर करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया था। इतना ही नहीं, स्कूल में इनहदामी कार्रवाई अंजाम देने के लिए इंतजामिया ने बुलडोज़र भी चला दिया है। अंग्रेज़ी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ दमोह की म्यूनसिपल अथॉरिटी ने स्कूल के अहाते में तामीर हुई नई इमारत की पहली मंजिल से मुबैना गैर इजाज़ती कहकर मुनहदिम कर दिया। इसे इंतकामी कार्रवाई से देखा जा रहा है। हालांकि तालिबात ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया कि उन्हें ज़बरदस्ती हिजाब पहनाया गया। फिर भी स्कूल इंतजामिया को इस तरह का हरासानी का सामना करना पड़ रहा है। मिसबा नामी लड़की जो अनवर खान की बेटी है। अनवर खान महाराष्ट्र के जालना शहर में पंक्चर की दुकान पर काम करते हैं। मिसबा ने नीट यूजी इम्तिहान में कामयाबी हासिल करके पूरे ख़ानदान के चेहरे पर खुशी ला दी है। मिसबा ने नीट इम्तिहान में 720 में से 633 नंबर हासिल करके कामयाबी हासिल की, जिसके बाद जालना ज़िले के लोगों ने इनकी बेटी को मुबारकबाद पेश की। मिसबा के घर की मुआशी हालत बहुत ख़राब है। बाप मोटरसाइकिल पंक्चर बनाते हैं जबकि माँ घर संभालती है। इनका कहना है कि घर की हालत ख़राब होने के बाद भी उन्होंने बहुत मेहनत की और दूसरी कोशिश में नीट के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। अब वो MBBS करके डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा करेगी। नीट इम्तिहान में कामयाब होने के बाद मिसबा के वालिदैन की खुशी की हद ना रही। उन्होंने अपनी बेटी की कामयाबी पर वालिद अनवर खान ने कहा कि अगर अंकुश साहब की रहनुमाई ना होती तो मिसबा को ये कामयाबी ना मिलती। 2-3 सालों से मिसबा जालना में अंकुश सर की क्लास में मुफ्त में नीट की तैयारी कर रही थी। आज सच्ची मेहनत और लगन के साथ बेटी ने जालना से नीट के इम्तिहान में टॉप किया है। बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को केस से अलहदा रखने और गिरफ्तार ना करने के एवज 50 लाख रिश्वत मांगने के इल्ज़ाम के तहत CBI ने नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सबक जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ FIR दर्ज की है। दूसरी जानब समीर वानखेड़े ने केस को खारिज करने और सख्त कार्रवाई ना करने की अपील करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दर्ज दाखिल की और उबूरी राहत भी हासिल कर ली है।
वहीं सीबीआई के दर्ज करदा केस में समीर वानखेड़े के अलावा दीगर 5 लोगों को मुलजिम बनाया गया है। इसके खिलाफ एक शख्स ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दर्ज दाखिल करते हुए अदाकार शाहरुख और इनके बेटे आर्यन को भी मुलजिम बनाने की अपील की है। अर्जी दर्ज गुजार राशिद खान पठान हैं, जो अपने आप को हुकूक इंसानी कमीशन के अदाकार कहते हैं। उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में सीबीआई के दर्ज करदा केस से मुतालिक अर्जी दर्ज दाखिल करते हुए शाहरुख और इनके बेटे को मुलजिम बनाए जाने का यह जवाब पेश किया कि रिश्वत लेने और रिश्वत देने वाला दोनों मुलजिम होते हैं। करप्शन एक्ट 12 और 7A का हवाला देते हुए कहा कि जिस तरह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साबिक जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और दीगर पर 50 लाख रिश्वत लेने के तहत केस दर्ज किया गया और इन्हें मुलजिम बनाया गया है, इसी तरह से रिश्वत देने वाले को भी मुलजिम बनाया जाना चाहिए। यकसां सिविल कोड के सिलसिले में लॉ कमीशन ने मुशावरत का अमल शुरू कर दिया है। इसके लिए अवामी और मजहबी तंजीमों से राय तलब की जा रही है। कमीशन ने आज एक बयान जारी करते हुए कहा कि 22वें लॉ कमीशन ने एक बार फिर यकसां सिविल कोड के बारे में तस्लीमशुदा मजहबी तंजीमों के ख्याल जानने का फैसला किया। इसमें मजीद कहा गया है कि जो लोग दिलचस्पी रखते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। कमीशन ने राय पेश करने के लिए 30 दिन का वक्त दिया और कहा है कि वो 30 दिनों के अंदर वेबसाइट पर या ईमेल के जरिए अपने ख्याल पेश करें। इससे कबल लॉ कमीशन ने भी इस मौजू का मुतालिया किया था, तब कमीशन ने इस पर मजीद बहस की ज़रूरत बताई थी। इसे 3 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, अब यह अमल नए सिरे से शुरू किया जा रहा है। शुमाल मशरकी रियासत मणिपुर में एक माह से ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद तशद्दुद जारी है। अब तक रियासत में ख़याम अमन व अमान की तमाम कोशिशें और सारा सिस्टम नाकाम साबित हो रहा है। वज़ीरे दाखला और रियासती हुकूमत की अपील, पुलिस और फौज के जवानों की तैनाती के बाद भी रियासत में तशद्दुद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ज़राए के मुताबिक खमलॉक गांव में अस्करियत पसंदों के हमले में कम से कम 11 अफराद हलाक और 23 जख्मी हुए हैं। पुलिस ने आज यह इत्तला देते हुए बताया कि भारी हथियारों से लैस अस्करियत पसंदों ने गुज़श्ता रोज खमलॉक गांव पर हमला किया और हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे 9 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए और 25 जख्मी हो गए। बाद में 2 जख्मियों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मशरक़ी और मगरबी अम्फाल अजला के ज़िला मजिस्ट्रेट ने तशद्दुद के पेश नज़र कर्फ्यू में नरमी को ख़त्म कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अभी तक मणिपुर में जारी तशद्दुद पर खामोशी अख्तियार कर रखी है। ऐसे में मुकामी लोगों में वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ नाराज़गी बढ़ती जा रही है। केरला हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप को शादी के तौर पर तस्लीम नहीं किया जा सकता, इसलिए इस तरह से एक साथ रहने वाले जोड़े तलाक का मुतालबा नहीं कर सकते। अदालत ने मजीद कहा कि जब दो अफराद सिर्फ एक मुआहदे की बुनियाद पर साथ रहने का फैसला करते हैं तो वो शादी होने का दावा नहीं कर सकते और ना ही तलाक का मुतालबा कर सकते हैं। जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक और जस्टिस सूफी थॉमस पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने कहा कि वो सिर्फ पर्सनल लॉ या सेक्युलर कानून के मुताबिक की जाने वाली शादियों को ही कानूनी मानते हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर दो अफराद सिर्फ बाहमी मुआहदे की बुनियाद पर एक साथ रहते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो मैरिज एक्ट के दायरे में आते हैं। अदालत ने यह तबसरा इस वक्त किया जब एक जोड़ा जो कि लिव इन रिलेशन में रह रहा था, इसने तलाक की अपील की। इस जोड़े ने फैमिली कोर्ट के हुक्म के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसने इस बुनियाद पर तलाक की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इनकी शादी नहीं हुई। समाजवादी पार्टी के संभल से रुकने पार्लियामेंट शफीकुर्रहमान बर्क ने मदरसों और दरगाहों में योगा के प्रोग्राम पर सख्त रद्दमल जाहिर करते हुए योगा डे का बायकॉट करने की हिमायत की। उन्होंने अपने ताज़ा बयान में कहा कि मदरसे और दरगाहों में योगा डे के बजाय योम तालीम मनाया जाना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश के रियासती वजीर बरा अखिलती बहबूद दानी शहजाद अंसारी ने शफीकुर्रहमान बर्क के एतराज़ पर कहा कि वो नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम तबका समाज के कौमी धारे में शामिल हों। हुकूमत की जानिब से 21 जून को रियासत के सभी अहम मुकामात पर योगा डे मनाने का फैसला किया गया है, लेकिन मदरसों में योगा डे मनाने पर रुकने पार्लियामेंट शफीकुर्रहमान बर्क का एतराज़ नया नहीं है। इससे कल भी वो इस पर एतराज़ जाहिर कर चुके हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात की तैयारियों और इंतजाम का जायजा लेने के लिए डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार और पुलिस के आला दीगर अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। इजलास का मकसद असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में ज़िला कलेक्टर्स और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को ज़रूरी उमूर से वाकिफ़ कराना था। विकास राज ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर धर्मेंद्र शर्मा की क़्यादत में 22-24 जून हैदराबाद का 3 रोज़ा दौरा करेगी। टीम में डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमीशन के सीनियर अहदेदार मौजूद रहेंगे। इलेक्शन कमीशन की टीम के दौरे का मकसद मुजवजा इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लेना है। ये टीम चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, स्पेशल पुलिस नोडल ऑफिसर और CRPF नोडल ऑफिसर के साथ इजलास मुनक़िद करेगी।
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का दौरा तेलंगाना अचानक मनसूख कर दिया गया और खम्मम में जलसे आम भी मनसूख हो चुका है। अमित शाह ने गुजरात में तूफान के सबब अपना दौरा तेलंगाना मनसूख करने का ऐलान किया। तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक अमित शाह आज रात हैदराबाद पहुंचने वाले थे, जहां इनकी पार्टी कायदीन से मुलाकात थी और खम्मम में जलसे आम से खिताब था। इस दौरान रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि अनकरीब खम्मम में दोबारा जलसे आम की तारीख तय की जाएगी और बीजेपी अपनी ताकत का मुजाहरा करेगी। अमित शाह के दौरे की मनसूखी से बीजेपी पार्टी कायदीन में मायूसी छा गई। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी प्रदीप कुमार ने कहा कि गुजरात और महाराष्ट्र में तूफान के पेश नज़र वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को बचाव और राहत कार्य के कामों की जिम्मेदारी दी है। वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि सेहत के शोबे में बेहतर से बेहतर मंसूबों को तैयार करने की ज़रूरत है, क्योंकि सेहत के माहिरीन का कहना है कि आने वाले दिनों में कोरोना से ख़तरनाक वायरस शुरू होने वाला है। इस तरह के वायरस से अवाम को महफूज रखने के लिए हुकूमतों को बेहतर से बेहतर सेहत की पॉलिसियाँ बनाने की ज़रूरत है। इसके लिए महकमा सेहत को मज़ीद मुस्तकिम करने की ज़रूरत है। चीफ मिनिस्टर ने आज हैदराबाद के निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 2000 बिस्तरों वाले ब्लॉक के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखने के बाद मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। शहर हैदराबाद में वाक़ जेलों में गुज़श्ता 2 हफ्तों से कैदियों के खाने के मेनू से गोश्त को गायब कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक हैदराबाद के दायरे में आने वाली चंचलगुड़ा जेल, चड़लापल्ली सेंट्रल जेल और वुमेन जेल में मुक़ीद कैदियों को 2 हफ्तों से खाने में गोश्त नहीं दिया जा रहा है। बताया गया है कि इन जेलों में चिकन और मटन सप्लाई करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को 2 करोड़ रुपये हुकूमत अदा शुदनी है, जिसके बाद ये कॉन्ट्रैक्टर्स इन 3 जेलों में गोश्त की सरबराही बंद कर दी है। बताया गया है कि महकमा महाबिस के बजट की रकम जारी ना होने की वजह से कॉन्ट्रैक्टर्स को रकम अदा नहीं की गई। ज़राए ने बताया कि आमतौर पर कैदियों को हर महीने के पहले इतवार को मटन और बाकी इतवार को चिकन खाने में दिया जाता है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तामीर करदा और तजयनों की गई 5 इमारतों को बैन अवी अवार्ड हासिल हुए हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बैन अवी अवार्ड्स मिलने पर मसरत का इजहार किया। जिन इमारतों का अवार्ड्स हासिल हुए इनमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटरीट, यादगिर गुट्टा, लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर, पुलिस कमांड कंट्रोल बिल्डिंग, दुर्गम लेक केबल ब्रिज और मौजम जाही मार्केट शामिल है। इन इमारतों को इंटरनेशनल ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स ग्रीन एप्पल अवार्ड से नवाजा गया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना को अवार्ड्स के हुसूल पर फख्र है। पुराने शहर हैदराबाद में पेश आ रहे वाकयात और कत्ल की वारदातें पुलिस की मौजूदगी पर सवालिया निशान बन गए हैं। पुराने शहर में पुलिस पर लापरवाही और संगीन मसाइल से बेपरवाही के इल्जाम पाए जाते हैं। गुज़श्ता अरसे में पुराने शहर कत्ल की वारदातों से सुर्खियों में आ गया है। एक वक्त तक खामोशी और फिर मुजरिमाना सरगर्मियों में इजाफे से शहरियों में खौफ व हरासानी पाई जा रही है। गुज़श्ता रोज़ बहादुरपुरा हदूद में पेश आए कत्ल की वारदात में एक 35 साल नौजवान का कत्ल कर दिया गया। शहर में पुलिस की असरनो हदबंदी के बावजूद पुराने शहर के इलाके साउथ जोन को भी तकसीम करवाया गया और शहर में नए तश्कील दिए गए 2 जोन्स में कदीम साउथ जोन के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया। इसके बाद पुलिस स्टेशनों की तादाद में इजाफे के साथ हदूद को मजबूत किया गया। बावजूद इसके पुलिस की गिरफ्त इलाके में मजबूत नहीं हो पा रही है और आए दिन कत्ल जैसे संगीन वारदातें पेश आने लगी हैं। चंद्रानगुट्टा, चारमीनार और संतोष नगर में कत्ल के वाकयात के बाद अब बहादुरपुरे में एक और नौजवान का कत्ल कर दिया गया और पुलिस रिवायती जाब्ते की कार्रवाई के अलावा मुजरिमों की तलाश में जुट गई है। जबकि बहादुरपुरा इलाके में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन भी अंजाम दिए जा चुके हैं और कई रॉडी शीटर्स की काउंसलिंग करते हुए इन्हें हिरासत में भी लिया गया। फिर भी ऐसे वाकयात में इजाफा होता जा रहा है। हथियार रखना तो आम बात होती जा रही है। पुलिस को नशे के आदि अफराद से भी सख्ती से निपटना चाहिए, क्योंकि इस तरह के वाकयात में अक्सर गांजा नोशी करने वाले अफराद भी शामिल रहते हैं। अक्सर पुलिस इन्हें नज़रअंदाज कर देती है और इस तरह के वाकयात रोनमा होते हैं। हज दरअसल पैगाम इत्तेहाद है। हज के मौके पर तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को मिली वहदत, इक़्वत व इज्तिमाईयत और महारत का अजीम मुजाहरा होता है। यहाँ बादशाह व फ़कीर, वज़ीर व अमीर, दौलतमंद हाजतमंद सब बराबर हो जाते हैं। इन ख्यालात का इजहार मौलाना सैयद मतीन अली शाह कारी खतीब ईदगाह गुमदान कुतुब शाही ने हज हाउस नामपल्ली में तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम आज़मीन हज के 19वें काफ़िले की रवानगी के मौके पर खिताब करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि हुज्जाज अल्लाह ताला के मेहमान होते हैं और हाजी की दुआ कबूल होती है। मैदान अरफात में लाखों हाजियों का एक ही लिबास में मलबूस होकर अल्लाह ताला के हुजूर खड़ा होना दरअसल मैदान हश्र में अल्लाह ताला के सामने हाजिरी की याद ताज़ा कराने के लिए है। मौलाना मतीन अली शाह ने कहा कि हज जिंदगी में सिर्फ एक बार फ़र्ज है। ज़ायरीन रोज़ अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए शफ़ात की बशारत है।
रोजे अकदस का एहतराम हर मुसलमान पर लाजिम है जिसने हज किया और दरबार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। इसके लिए दो मकबूल हज लिखे जाते हैं। जन्नतुल बकी की जियारत करें जहाँ बेशुमार सहाबा इकराम अहले बैत और सालहीन व कामिलीन आराम फरमा रहे हैं। हाफिज बुखारी मोहम्मद साबिर पाशा खारी और खारी सैयद नूर मोहम्मद शाह कादरी की खिरात कलाम पाक व नात शरीफ से तकरीब का आगाज हुआ। आखिर में मौलाना मतीन अली शाह कादरी ने आलम इस्लाम बिलखसूस शाम फलस्तीन लीबिया यमन ईरान इराक बर्मा और हिंदुस्तान बिलखसूस रियासत तेलंगाना और शहर हैदराबाद में आपसी इत्तेहाद व अमन व सलामती और मस्जिद अक्सा फलस्तीन वगैरह के लिए रुख तंगेज दुआ की।